नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड का। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड का शेयर अभी 1 रुपए 95 पैसे पर चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात की जाए तो यह टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2004 को हुई थी, यानी कि 16 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे अनिल अंबानी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके प्रोडक्ट की बात की जाए दोस्तों तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे हैं मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस इंटरनेट, डिजिटल टेलीविजन। इनकी सर्विसेज की बात की जाए तो जो इनकी सर्विसेज हैं वे हैं इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, क्लाउड नेटवर्किंग, डेटा सेंटर सर्विसेज, एंटरप्राइज वॉइस, क्लाउड टेलीफोनी, कॉलबोरेशन सर्विसेज, होलसेल वॉइस, वैल्यू एडेड सर्विसेज। इसमें दोस्तों जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 3,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। और इसके डिवीजन की बात की जाए तो जो इसका डिवीजन है वो है मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीविजन और एंटरप्राइज। और दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन 2G और 3G डेटा सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और वॉइस कॉलिंग की सर्विसेज भी ऑफर करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आरकॉम ने अपना जो टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस है वो 2019 में दोस्तों इसने बंद कर दिया है और इसने अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है और बैंकरप्सी के लिए फाइल किया हुआ है। और दोस्तों इस बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में भाग लेकर कोई ना कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर या फिर दोस्तों कोई बहुत बड़ी विदेशी दिग्गज कंपनी जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, फेसबुक हो गई, कोई भी दोस्तों इसमें भाग लेकर इसको टेक ओवर कर सकता है। और जहां तक दोस्तों 90% के चांसेज हैं तो मुकेश अंबानी जी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको जरूर टेक ओवर कर लेगा और इसका विलय जो है वो रिलायंस जियो के साथ हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको टेक ओवर करेगा तो जो भी असेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में आ जाएंगी और दोस्तों रिलायंस जियो का नेटवर्क और भी बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन 5G सर्विसेज भी लॉन्च करेगा, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगा और नए नए प्लान्स भी लेकर आएगा जिससे कस्टमर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों जो मुकेश अंबानी जी की वाइफ है नीता अंबानी जी और उनके बेटे आकाश अंबानी जी जो कि रिलायंस जियो को ऑपरेट करते हैं, तो दोस्तों अंबानी ग्रुप को पूरी अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से बिजनेस में डील की जाती है, किस तरीके से बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त किए जाते हैं। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो दोस्तों भविष्य काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि दोस्तों ये अंबानी ग्रुप का ही शेयर है, अंबानी ग्रुप की ही कंपनी है। तो जो मुकेश अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी जी वे जरूर रिलायंस कम्युनिकेशंस की मदद करेंगी और आने वाले समय में दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको जरूर टेक ओवर करेगा, ऐसा दोस्तों इसमें 90% के चांसेस हैं। तो आप लोग चाहें तो अब इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2008 में इसने हाई लगाया था 844.70 रुपए का और अभी दोस्तों काफी सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। यहाँ से दोस्तों बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप लोग चाहें तो अब इसमें पोजीशन बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए और इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 4 से 5 साल में यह स्टॉक 180 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग
अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।